शांति एशियाटिक स्कूल सनसिटी जयपुर में 15 सितंबर 2024 को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक विद्यार्थियों द्वारा रचित वर्व ऑफ विजन का आयोजन किया गया, जिसमें लाइव पॉटरी, लाइव स्केचिंग जंक्शन व कई कलाकृतियों से संबंधित स्टॉल में अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अनेकानेक रंगारंग प्रस्तुति दी गई, जैसे बालिकाओं द्वारा बिहू व हिप हॉप नृत्य तथा शिव तांडव स्रोत के साथ मधुर संगीत की प्रस्तुति दी गई। विद्यालय की साज सजावट तथा विद्यार्थियों द्वारा कलाकृतियों के वर्णन ने अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल SPS कटेवा ने विद्यार्थियों की कलाओं की सराहना करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया। सम्मानित अतिथि ब्रिगेडियर शीला विज, विशेष अतिथि वीर नारी उषा शेखावत, पवन कुमार कल्ला, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रशीम आर्य, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल जांगिड़, संगीत निर्देशक, गायक और संगीत निर्माता मोनिका शारदा निर्देशक, जयपुर संस्कृति एवं कला केंद्र की उपस्थिति में कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा दिए। आज जो शांति एशियाटिक स्कूल में आर्ट्स और कल्चरल की पेंटिंग्स की जो एग्जीबिशन कंपटीशन है, ये अपनी तरह का ये एक अनोखा इवेंट है और इसमें तमाम स्कूल के बच्चे और बच्चियां, क्लास वन से लेकर के 11th 12th तक के बच्चे, जिन्होंने अपना मन लगा करके और अपने जो दिल की इच्छा जो है, उनकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को उन्होंने इन पेंटिंग्स के जरिए डिपिक्ट करने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग भारत माता के बारे में है, भारत की यूनिटी के बारे में है, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा पहलू है, उसके बारे में है। इसके साथ साथ बच्चों का कॉन्फिडेंस देखने को बनता है। छोटे छोटे बच्चे इतने आराम से अपनी पेंटिंग्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी यहाँ आए हुए हैं, और मैं तमाम बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ स्कूल के प्रिंसिपल मैडम माहिबा साहब को और यहाँ के जो चेयरमैन हैं दिनेश गोयल साहब और तमाम बाकी नितिन प्रताप सिंह जी जो यहाँ के स्कूल के एक तरह के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन सबको और तमाम टीचर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके इस स्कूल को इस स्तर पे लाए हैं, और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है ये स्कूल जयपुर में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, आने वाले समय में ये पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाएगी। और यहाँ के बच्चे यहाँ से पढ़ करके जब जाएंगे, आप देखेंगे कि वो चाहे वो डिफेंस में जा रहे हैं, तो चाहे वो लीगल प्रोफेशन में जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर बन रहे हैं, चाहे इंजीनियर बन रहे हैं, जहाँ भी वो जाएंगे अपना नाम रोशन करेंगे और स्कूल को हमेशा याद करेंगे। जय हिंद। सी, मैं ये बोलूँगी कि शांति एशियाटिक स्कूल ने काफ़ी अच्छा काम किया है, बिकॉज़ बच्चों का वो जो विज़न है वो डेवलप कर रहा है, ना केवल आर्ट को लेके, आर्ट को भी यूज़ करना। इतने छोटे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक, दे आर डूइंग वंडरफुली वेल। दे नो मंडाला आर्ट, दे नो रेजिन आर्ट, दे नो टेक्सचर्स, दे नो एवरीथिंग, एंड बाय द सेम टाइम वो लोग अपने विज़न को, अपनी थॉट प्रोसेस को इतनी सुंदर तरीके से आर्ट फॉर्म्स में डेवलप कर रहे हैं और बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। दैट इज़ वंडरफुल।